जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का हाल ही में एक वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि ये आतंकी भारी बर्फबारी में घुसपैठ कर रहे हैं। आतंकवादियों की तादाद 30 से अधिक बताई जा रही है। माना जा रहा है कि ये सभी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं। इनके पास बड़े बड़े बैग भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें विस्फोटक होने की आशंका जताई जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बर्फ से ढकी घाटी का फायदा उठाकर ये आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं। भोपाल में एक पार्षद के जन्मदिन पर खुलेआम शराब बांटी गई। यहां पर बकायदा काउंटर लगाकर शराब दी जा रही थी। रविंद्र यति का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इस खुशी के मौके में जग में भरकर शराब बांटी जा रही थी। इसके लिए सड़क पर टेंट लगाया गया, बाल्टियों में भरकर शराब लाई जा रही थी। हमारे जन प्रतिनिधि कैसे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बिहार के मंत्री विनोद सिंह ने श्रीनगर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान मुजाहिद खान की शहादत का अपमान किया है। उनसे जब शहीद की अंतिम यात्रा में भोजपुर नहीं पहुंच पाने का कारण पूछा तो उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि यदि मैं वहां जाता तो क्या वो जिंदा हो जाता। मंत्री के इस विवादित बयान के बाद विपक्ष की ओर से उनकी आलोचनाएं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर शहीद के परिवार वालों ने बिहार सरकार से मिली 5 लाख की राशि को लेने से मना कर दिया है। कल ही जाके क्या फायदा होता। मैं दिल से वहाँ पर मैंने उनको सैल्यूट किया है, ऐसे शहीद नौजवान के लिए हमने सैल्यूट किया है, और कल ही जाके क्या उनको हम जिंदा कर देते। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक निजी कॉलेज के कमरे में छात्रा से दुष्कर्म का मामला भड़क गया है। यहाँ के केमिस्ट्री टीचर पर आरोप है कि उसने छात्रा को कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के विरोध में आज छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि समय पर मामले की उचित कार्यवाही नहीं की गई तो सड़क पर उतरने के साथ विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। वहीं छात्राओं का कहना है कि यदि ऐसे ही छात्राओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती रही तो कोई भी युवती सुरक्षित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब तो गुरु और शिष्य के रिश्ते भी तार तार हो गए हैं। पता लगा है कि गौतम कॉलेज में एक टीचर ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया है, जो कि हमारे इंडिया में तो था ही था, लेकिन हमारे हिमाचल में नहीं था। हमारे हिमाचल में भी हो रहा है, जब से बीस बच्चे के साथ आ रहा है तब से तो हो ही रहा है। तो क्या मांग करते हैं आप? हम मांग रहे हैं जस्टिस चाहिए यार, उसको फांसी चाहिए बंदी को, क्या उसको क्या पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में छात्रों के लिए आयोजित कार्यक्रम में देशभर से आए छात्रों एवं अभिभावकों को संबोधित किया। उन्होंने यहां छात्रों को सफलता के मंत्र दिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम माता पिता के इरादों पर शक न करें, हमारे माता पिता भी हमारे लिए अपनी जिंदगी खपा देते हैं। माँ बाप के जीवन का सपना होता है कि वह अपने बच्चों को कुछ बड़ा बनते हुए देखें। कुछ दिनों में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है, जिसके मद्देनजर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य बच्चों के तनाव को कम करना था। जिन चीजों में सिर्फ बुद्धि नहीं, आपका हृदय भी जुड़ जाता है, वो चीजें जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।